तो इसके अंदर जो है मैं आपके थ्योरी वगैरह जो है जो जो चीज़ें वो सेंड कर दूँगी, और जिस तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको गाइडलाइन दे दूँगी आपको। वैसे आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि किस तरीके से करना है। और ये जो है एग्जाम्पल नंबर 1 की थ्योरी है, सही है, आप देख सकते हैं ये सही है। इसके अंदर आपको जो है सबसे पहले जो है ना आपको जो है फैमिली नेम लिखना आना चाहिए, किस तरीके से किसी भी फ्लावर का नेम या फैमिली नेम, इन सब की तमाम चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से करते हैं, और ना किस पैटर्न क्या होता है फ्लावर नेम लिखने का, और कौन सा वर्ड। अच्छा जो है एक और बात, जैसे कि अगर आप कोई फिगर बनाएंगे तो उसका नेम नीचे लिखेंगे, तो नेम के साथ आपने जो है ना लाजमी फिगर भी लिखना होता है। ये कुछ मेन स्टेप्स हैं जो कि मैं आपके साथ बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने करना होता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और अगर आप ये ना लिखें तो जो है वो टीचर्स वगैरह होती हैं जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर जो है डिडक्ट कर सकते हैं। विज़िटर्स वैसे सारे कॉलेजेस में हर टाइम तो नहीं होते कि आप जैसे कि आपका लक है अब कि आप बच जाएँ या ना बचें, तो इट्स अप टू यू। और वाइवा होगा, इतना कोई हार्ड नहीं होगा, वो हो सकता है कि किसी भी चीज़ जैसे कि आपका प्लांट सेल वगैरह है तो वो आपको वो आपसे पूछेंगे कि जो है वो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। फिर आपको जो है सेल के बारे में के बोल सकते हैं, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या होता है एक सेल के अंदर, इस तरीके से आपसे जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, सही है। तो और जैसे कि डायग्राम के साथ आपने फिगर जो है ना FIG लिख दें या फिगर पूरा लिख दें, फिर दो डॉट डालेंगे, फिर आप पूरा नेम लिखेंगे, और लाजमी जो है ना नीचे एक एक लाइन आपने जो है ना डालनी होती है, सही है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि, और अगर जिस तरीके से होना तो एक ही साइड आप जो है ना सारे नेम लिखें, एक ही रॉक इन इस तरीके से मैंने लिखे, यानी कि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर चारों तरफ बना, इस तरीके से नहीं, एक ही साइड जितना होना एक ही साइड में जो है ना आप अपनी कोशिश करें कि आपका ना पूरा आ जाए, सही है। और जो है आपकी आप लोग की थी कि जैसे कि ना क्या नाम है थ्योरी वगैरह चाहिए थी, जिस वजह से मैंने जो है वीडियो बनाई है, तो लाजमी आप लाइक करें वीडियो को और जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ी सी हमारी भी हौसला अफजाई हो, सही है। जो है डायग्राम को अगर आपने जो है बनाना है ना, सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा बनाएं, थोड़ी सी स्पेसिफाई करें चीज़ को कि क्या चीज़ है, थोड़ी सी बड़ी चीज़ बनाए ताकि पता चले कि हाँ उसके अंदर चीज़ थी क्या। और जो है ना नेम क्लियर लिखें, उसमें लाइन ड्रॉ नहीं है लेकिन आपने लाइन जो है ना लाजमी लिखनी है, और फिगर लाजमी लिखना है, फिगर अगर नहीं लिखेंगे आपके जो है नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, सही है। और डेट आपने जो है ना लाजमी जर्नल बनाना, डेट लाजमी मेंशन करनी है आपने, सही है। ये जो फिगर लिखा हुआ है इन्होंने भी देखिए जिस तरह पैटर्न जो है ना वो यूज़ करा हुआ है, एज इट इज़ आपने पैटर्न जो है यूज़ करना है। अगर हो सके जब आप प्रैक्टिकल लिखें तो जो जो नेम होते हैं ना इन सबको हाईलाइट करें, बोल्ड करें, जैसे आप पूरा ब्लू इंक पेन से काम कर रहे हैं, मेरा सिर्फ ये है कि ब्लू कट मार्कर यूज़ करें, ब्लू पॉइंटर और ब्लू इंक पेन, ये तीन चीज़ आपने यूज़ करनी है आपने ज्योमेट्री में, कुछ और ब्लैक पॉइंटर ब्लैक बॉल पेन ब्लैक कुछ नहीं करना। इस तरीके से देखिए एक साथ बिल्कुल आपने जो है लेबल लिखनी है एक साथ, इस तरीके से इस तरह बनाए तो सारे सरफ लाइन से बनाए, सही है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, सही है। और जो है मैं क्या बताई थी आपने सिर्फ तीन आपने चीज़ें यूज़ करनी है, ब्लू कट मार्कर, ब्लू पॉइंटर और ब्लू इंक पेन, आपने सारा काम ब्लू से करना। इससे क्या होता है जो बहुत सारी लेक्चरर होती है ना वो यही डिमांड करती हैं, और कुछ जो है ना वो कहना है ब्लैक मार्कर या पॉइंटर यूज़ करने पे ना नंबर भी डिडक्ट कर देती हैं कि आपने ब्लैक क्यों यूज़ कर, तो इसलिए कि ये है कि आप जो है ना यही यूज़ करें ब्लू यूज़ करना ज़्यादा, इससे क्या होगा आपके ना टाइम जो है ना टाइम भी बचेगा और जो है ना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आपने जो हाईलाइट करना है वो ब्लू पॉइंटर से लिख दें, जैसे कि आपको ये चीज़ें हाईलाइट करनी थी आपने क्या करा वो ब्लू पॉइंटर से लिख दिया, ब्लू कट मार्कर से। वैसे तो कुछ टीचर्स जो है ब्लू कट मार्कर भी अलाउ नहीं करती, वो बोलती है सिंपल से ब्लू जो है ना इंक पेन आप जो है यूज़ करें, ब्लू इंक पेन के अलावा कुछ और यूज़ नहीं करें। लेकिन अगर आप ज़्यादा अगर आपके कट मार्कर भी मना कर दिया, आप ब्लू पॉइंटर और ब्लू इंक पेन यूज़ कर सकते हैं। ब्लू पॉइंटर से आप जो जो चीज़ आपने हाईलाइट करनी है ना वो सारी चीज़ें आप जो है हाईलाइट कर दें, सही है। अच्छा ये जो मैंने आपको बताया था तरीका किस तरीके से होता है किसी भी चीज़ का नेम लिखने का, पहला वर्ड बड़ा आएगा, सीखे किसी का भी नाम जैसे हमारे फादर नेम और नेम होता है जैसे बरार
بریرہ اکبر ہو گیا، ملیحہ اختر ہو گیا، صحیح ہے؟ اب اس طریقے سے جو بھی وانیہ وسیم واٹ ایور جو بھی نیم ہوتے ہیں، ہم دونوں جو نیم ہوتے ہیں نا ان کا کیپٹل لکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہوتا، ہم صرف پہلا ورڈ کا جو پہلا ورڈ کا پہلا الفابیٹ کیپٹل بناتے ہیں، باقی سب اسمال ہوتا ہے، سب اسمال ہوتا ہے، دوسرے ورڈ کا بھی پہلا دوسرے ورڈ کا پہلا الفابیٹ بھی کیپٹل نہیں بناتے، صرف پہلے ورڈ کا پہلا الفابیٹ جو ہے کیا ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے۔ آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹینڈڈ۔ صحیح، دیکھیے اس طریقے سے بھی یہی پیٹرن یوز ہو رہا ہے، یہ پیٹرن موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور جو ہے یہی پیٹرن ہوتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھتے ہیں لازمی اپنے فیگر لکھنی، میں آپ کو بار بار یہ کر رہی ہوں کہ فیگر آپ نے لازمی لکھنی ہے کسی بھی نیم کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے چیکر پہ امپریشن اچھا پڑتا ہے، ہمیشہ جو ہے نا وہ بالکل ایک ہی را کے اندر آپ جو ہے ساری لیبل کریں، لیبل اچھی کریں، اور ڈائیگرام کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا کریں، بڑا بنائیں، صحیح ہے، بڑا بنانے کی جو ہے نا کوشش کریں، صحیح ہے۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کے اسکرین شاٹ لے لیں اس کی تھیوری کی، صحیح ہے، کہ اسکرین شاٹ جو ہے الاؤٹ کر دوں گی، اور جو ہے اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو لازمی آپ جو ہے کمنٹس کریں تاکہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، صحیح ہے۔ یہ روز کا جو تھا ایک پیٹل ہے، صحیح ہے۔ اور اگر جیسے کہ اگر ڈائیگرام بنانے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے لائنیں کھینچ کے میئر کر کر جو ہے نا آپ اس کو جو ہے وہ بڑا بنا سکتے ہیں، صحیح ہے، لارج بنائے تو اسی ہر چیز۔ آپ نے ڈائیگرام میں کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے پارٹس کو جو اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے، تو جب تک آپ بڑی کر کے اسپیسیفائی نہیں کریں گے کوئی بھی پرٹیکولر چیز کو تو وہ کس طریقے سے اچھی دکھے گی، صحیح ہے۔ آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے میں نے بنائی ہے، اور یہ بالکل اس طریقے سے پرٹیکولر اس کے اندر بنانی ہے۔ آپ کو ویسے بی کاپی نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو لازم بتا دوں، بی کاپی آپ کو نہیں ملے گی پریکٹیکل کے لیے، آپ نے جو آپ کو کاپی دی جائے گی آپ نے اسی کے اندر لکھنا ہے، اپنا رول نمبر، ایڈمٹ کارڈ اور جیومیٹری، یہ سب آپ نے خود لے کے جانا ہے، کیلکولیٹر وغیرہ جو بھی آپ کو چیزیں ہوں گی وہ آپ سب جو ہے احتیاطاً لے کے جائیں، انرولمنٹ کارڈ، واٹ ایور، ساری جو ہے چیزیں وہ نیسسری ہیں، اوکے۔ اگر آپ کو کسی اور جرنل کی، کیمسٹری، فزکس، ان سب کی بھی اگر آپ کو کچھ گائیڈ لائن چاہیے، یا اگر آپ کو کچھ جرنل وغیرہ کچھ بھی، تو آپ لازمی مجھے کمنٹس کریں تاکہ میں جو ہے آپ کو لازمی جو ہے آپ کی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر سکوں، اوکے۔ آپ اپنے کالج میں جا کے ایک دفعہ پہلے جو ہے کنفرم کر لیے گا کہ کب ہے، کیونکہ پریکٹیکل ڈیٹس تو آ چکی ہیں۔ اس بار تو یہی پریکٹیکل جرنل ہے، لیکن یہ نیوز آ رہی ہے کہ جو ہے اب نیکسٹ ایئر جو ہے پریکٹیکل جرنل چینج ہو جائیں گے، سیکنڈ ایئر کے تو نہیں پتہ، لیکن ہاں فرسٹ ایئر والوں کے جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے، یعنی کہ جو اب فرسٹ ایئر بن گئی ہے، جنہوں نے ایڈمیشن لے لی ہیں فرسٹ ایئر میں، ان کے جو ہے پریکٹیکل جرنل چینج ہو چکے ہیں۔ یہاں سے آپ نے ساری چیزیں پڑھ کے جانی ہیں، کیونکہ لیکچرار اس میں سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کو سائن دکھا کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سائن کیا ہے، یہ سائن کیا ہے، آپ نے بتانا ہے اس سائن کا مطلب کیا ہے، اس سائن کا مطلب کیا ہے، اور اس سائن کا مطلب کیا ہے، تمام چیزیں جو ہے آپ نے کیا کرنی ہے، بتانی ہے۔ جیسے کہ دیکھیے فلاورنگ ٹویک ہے، تو یہ ٹیتھ چھوٹا بنایا ہے، روز انڈی کا آئی چھوٹا ہے، تو یہ پیٹرن آپ نے فالو کرنا ہے، فلورل فارمولا ڈائیگرام آپ نے لازمی لکھنی ہے، وی ایس آف آپ نے
आपने देखी बॉटनिकल नेम आपने लाजमी याद करना है, कॉमन नेम, फैमिली, फ्लोरल फार्मूला, ये सब आपने जो है वो पक्का करना है। ये इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बॉटनिकल नेम आपने जो है इस तरीके से लिखना है, नीचे अंडरलाइन करना है आपने लाइन को। गुलाब जो है इसका कॉमन नेम है। आपने तमाम चीज़ें जो है अपने अंडर रखते हुए, और ये फ्लोरल फार्मूला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सी बात ये देख लें इसकी थ्योरी। बॉटनिकल नेम देखिए यहाँ नहीं करते, उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। आपने लाजमी अंडरलाइन करना है और एक लाइन नहीं मारनी, आपने बीच में गैप लाजमी देना है। डार्क डार्क करें ताकि टीचर जो है ना वो पूरी क्या नाम है उनको हर चीज़ क्लियर हो जाए, सही है। वो कोई अंडरलाइन करने का उनको कोई मौका ना मिले, सही है। आपने तमाम चीज़ें देखनी है। एलएस ऑफ फ्लावर और फ्लोरल डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये दो चीज़ें, एलएस ऑफ फ्लावर और फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फार्मूला, बॉटनिकल नेम, फैमिली, सब क्लासेस, सही है। बॉटनिकल नेम देखें यहाँ पे अलग अंडरलाइन करा हुआ था, फिर भी टीचर को जो है वो कह रही थी कि अलग अलग आपने जो है अंडरलाइन करना है, सही है। थॉर्न एप्पल लेक, सेलोनीसिया, फ्लोरल फार्मूला, ये पूरा लिखा हुआ है। एल एस ऑफ फ्लावर और फ्लोरल डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये चीज़ें हैं, सही है। आपने जो है शेड करना है अच्छी तरीके से, सही है। शेड करेंगे तो क्या होता है वो थोड़ी सी डायग्राम में जान आ जाती है। फ्लोरल फार्मूला, एल एस ऑफ फ्लावर, सही है। एल एस ऑफ फ्लावर ना, ये एल एस ऑफ फ्लावर ये बना लें, ये बना लें, सही है। ये दोनों, ये एक दो तीन अगर ज़्यादा है तो ये दोनों बना लें, ये दोनों बना लें, सही है। ऐसे इस पर से आप देख सकते हैं उन्होंने एल एस ऑफ फ्लावर नहीं बनाया हुआ, फ्लावर की डायग्राम बनाई हुई है, फ्लोरल फार्मूला बनाया हुआ है। फ्लोरल फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद करके जाना है, हर चीज़ की मीनिंग आपने जो है स्पेसिफाई करके जानी है। प्लांट फिजियोलॉजी है, सही है। मैं कुछ काम वाम इतना कोई है वह नहीं, सिर्फ आपने जो है ना ये ग्राफ फिल करना होता है, और ये पेपर में नहीं आता इस वजह से हमारी टीचर्स ने जो है वो कराया नहीं था। ये ग्राफ है, ये जो है बिल्कुल सही रीडिंग्स हैं, और बिल्कुल जो है वो प्रैक्टिकल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमने जो है ख़ुद ऑब्ज़र्व करी थी और फिर आपने राइट करी थी, सही है। तो आप ये लिख सकते हैं थ्योरी। ये कोई फाइबर वॉइस अगर आप पढ़ने चाहें तो पढ़ सकते हैं कि सिंपल ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस मेम्ब्रेन, सबकी जो है पर्टिकुलरली डेफिनेशंस हैं, आपको जो है रिमेंबर होनी चाहिए हर चीज़ की, हाउनो होनी चाहिए, पढ़ के जाएं, चाहे आपका हो ना हो, आपको जो है कम से कम फर्स्ट ईयर में आगे आने वाले बच्चों को जो है आप जो है बता सकें, पढ़ा सकें, सही है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।